हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टाइल बाय महक। आज हम बनाना सीखेंगे डबल चिन वाला बेबी फ्रॉक विद अम्ब्रेला स्लीव स्टेप बाय स्टेप। ये फ्रॉक 7 से 8 साल की बच्ची के लिए बनाना है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने 1.5 मीटर करीब फैब्रिक लिया है, जिसमें से हमने 4 फोल्ड फैब्रिक ले लिया है टॉप पार्ट के लिए। इसकी लेंथ है 10 इंच। अब हम शोल्डर और आर्म होल का मार्क कर लेंगे। तो शोल्डर मैंने 5.5 इंच रखा था और आर्म होल भी मैंने 5.5 इंच लिया था। तो ये मार्क करने के बाद हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इन मार्क पे। अब हम चेस्ट साइज ले लेंगे। चेस्ट साइज हमने 8.5 इंच लिया है। इसमें ये हमने 1.5 इंच मार्जिन भी ऐड कर लिया था। अब हम वेस्ट साइज ले लेंगे। तो वेस्ट साइज मैंने लिया था 8 इंच और 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर लिया था इसमें। अब हम इन दोनों मार्क पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम अंदर की साइड मार्जिन का मार्क कर लेंगे 1.5 इंच पर, और इन मार्क पर भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा फिटिंग का मार्क है और ये मार्जिन का। अब हम शोल्डर ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर ड्रॉ करने के बाद हम नेक की मार्किंग कर लेंगे। तो नेक की विड्थ मैंने ली थी 2.5 इंच और डीप मैंने रखा था 3.5 इंच। अब इन मार्क पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम नेक ड्रॉ कर देंगे। मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम फ्रंट और बैक पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट को हम साइड में रख देंगे और बैक पार्ट पे हम हुक का कट लगा लेंगे। तो हुक के कट के लिए हमें 2 इंच पर मार्क करना है सेंटर में। मार्क करने के बाद हम उसको कट कर लेंगे। ये हमारी टॉप पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। तो उसके लिए हमने 2 स्ट्रिप्स ले ली हैं। तो हम पहले सेकंड स्ट्रिप की मार्किंग कर लेते हैं। तो सेकंड स्ट्रिप की लेंथ हमें लेनी है 9 इंच और विड्थ हमें लेनी है 48 इंच। और फर्स्ट स्ट्रिप की हमें लेंथ लेनी है 10 इंच, विड्थ लेनी है हमें 37 इंच। अब हम इसमें गैदरिंग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमें गैदरिंग कर लेनी है। ये हमारी गैदरिंग कर ली है हमने। अब हम इनको अटैच कर लेंगे। तो पहले मैं एक साइड आपको अटैच करके दिखाऊंगी, उसी तरीके से हमें दूसरी साइड अटैच करनी होगी। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें इसको अटैच कर देना है दोनों को, या हमें सिलाई लगा लेनी है। फ्रंट पार्ट पहले मैं आपको रेडी करके दिखाऊंगी, उसी तरीके से सेकंड पार्ट हमें रेडी करना है। देखिए, ये हमारी सिलाई लग चुकी है। ये मैंने फ्रंट पार्ट रेडी कर लिया है और बैक पार्ट भी मैंने रेडी कर लिया था। ये अब हम इसको साइड में रख लेंगे और टॉप पार्ट को रेडी करेंगे। अब तो टॉप पार्ट के दोनों पार्ट्स हम रख लेंगे, फ्रंट और बैक पार्ट, और शोल्डर अटैच कर देंगे। ये देखिए, शोल्डर अटैच कर दिए हैं मैंने। अब हम इसको खोलेंगे और हुक पर पट्टी लगाएंगे।
ये देखिए, अब हम हुक के साइड पट्टी लगा लेंगे। इस तरीके से हमें रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी सिलाई लग चुकी है, अब हम इसको स्मॉल कट्स लगाएंगे। और इसके बाद हम इसको पलट देंगे बैक साइड की तरफ, इस स्ट्रिप को। ये देखिए, अब हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। अंदर की साइड डबल फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा देंगे हम इसके। देखिए सिलाई लग चुकी है, अब हम नेक पर पट्टी लगाएंगे। ये देखिए, हमें इस तरीके से रखते हुए पूरे में सिलाई लगा देनी है। ये हमारी सिलाई लग चुकी है, अब हम इसमें स्मॉल कट्स लगाएंगे। ये हमने स्मॉल कट्स लगा दिए हैं, अब इसको अंदर की तरफ डबल फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, हमारा नेक रेडी है। अब हम टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट से अटैच करेंगे। मैं पहले आपको फ्रंट पार्ट रेडी करके दिखा दूंगी, उसी तरीके से बैक पार्ट हमें रेडी कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए हम इसको पलट कर सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है इसमें। ऐसे ही हम बैक पार्ट रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारे दोनों पार्ट अटैच हो गए हैं। अब हम इसको उल्टा करते हुए इसमें फिटिंग लगा लेंगे। ये हमें फिटिंग लगानी है और बॉटम को डबल फोल्ड कर देना है। हमारी फिटिंग लग चुकी है और बॉटम भी डबल फोल्ड कर दिया है हमने। अब हम स्लीव रेडी करेंगे। तो स्लीव के लिए मैंने 2 फैब्रिक पीसेस ले लिए थे, जिसकी लेंथ भी 16 थी और विड्थ भी 16 थी। अब हम इसको डबल फोल्ड करेंगे तो ये 4 फोल्ड हो गया, और एक बार और फोल्ड करेंगे तो क्लोज साइड मैंने अपनी तरफ रखी थी, ओपन साइड दूसरी साइड रखी थी। अब हम लेंथ लेते हुए इसकी मार्किंग कर लेंगे, जितनी भी हमें लेंथ रखनी होगी। तो फ्रेंड्स, हमने लेंथ रखी है 8 इंच, और ये मार्क हम पूरे पर लगा देंगे और फिर इसमें गोलाई लगा देंगे। ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है, अब हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारी कटिंग भी कंप्लीट हो गई है, अब हम सेंटर पर मार्क कर लेंगे। अब हम इसको ओपन करके रख लेंगे। अब हम फ्रॉक के शोल्डर का मेज़रमेंट कर लेंगे। हल्के हाथ से इंची टेप को चारों तरफ घुमाकर हम मेज़रमेंट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से मेज़रमेंट करना है हमें 4
फुल मेज़रमेंट हमारा है 11.5 इंच, तो इसका हम फोर्थ पार्ट ले लेंगे। तो इसका फोर्थ पार्ट है 3 इंच, तो हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये देखिए 3 इंच पर निशान लगा लेंगे सेंटर पॉइंट से। अब सेंटर पॉइंट और 3 इंच के बीच में हम सेंटर पे निशान लगा लेंगे, वो लगाएंगे हम 1.5 इंच का। तो जो हमारा बीच वाला सेंटर पॉइंट है, तो उसी से ही हम 1.5 इंच पर गोलाई लगा लेंगे। जो बीच वाला सेंटर पॉइंट है उससे हम 1.5 इंच का निशान लगाते हुए गोला बना लेंगे। अब हम इसकी गोलाई दे देंगे। हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब सेंटर पॉइंट से फोल्ड करते हुए हम फैब्रिक को रख लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे निशान पर। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको फ्रॉक में जोड़ कर दिखाऊंगी किस तरीके से हमें शोल्डर अटैच करना है। तो छोटी साइड हम स्लीव के नीचे की तरफ रखते हुए अटैच करेंगे पिन से। तो ये देखिए छोटी साइड में नीचे की तरफ रखूंगी और लॉन्ग साइड में ऊपर की तरफ रखूंगी और हम इसे पिन से अटैच कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरीके से शोल्डर अटैच करना है और स्लीव का बॉटम डबल फोल्ड करना है और दूसरी स्लीव को भी ऐसे ही अटैच कर देना है। तो फ्रेंड्स, हमारा फ्रॉक बनकर रेडी है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।